गाइस वेलकम बैक। बहुत सरप्राइज सरप्राइज, वैसे तो ये बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है कि वीर सावरकर को इतना पसंद किया जा रहा है इस फिल्म को, लेकिन इसकी जो कलेक्शन रही डे नंबर टू पर वो किसी ने भी नहीं सोची थी। 110% का जंप, 110% का जंप लिया है कल वीर सावरकर ने, और आज का दिन भी, जैसे मैं आपसे कह रही थी कि एक्सटेंडेड वीकेंड का बेनिफिट मिलेगा, भाई सैटरडे देखो 110% का जंप लिया है। आज संडे है, कल भी छुट्टी है, सोचो कि एक्सटेंडेड वीकेंड में ये फिल्म कितना बढ़िया कलेक्शन कर सकती है। लेकिन डे नंबर टू की फाइनल कलेक्शन क्या थी, फाइनल ऑक्यूपेंसी क्या थी, सब कुछ बताती हूं आपको इस वीडियो में। साथ साथ में हम आज के ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे कि आज क्या कुछ जंप ले सकती है, आज का प्रेडिक्शन क्या कुछ हो सकता है, तो सब कुछ बताती हूं आपको इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। बात करेंगे हम सबसे पहले ऑक्यूपेंसीज की। देखो, मैंने आपसे कल मॉर्निंग और आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी के बारे में बात करी थी, और मैंने आपसे कहा था नाइट ऑक्यूपेंसी, इवनिंग ऑक्यूपेंसी जो है ये एक जंप लेगी और उसके बाद नाइट शोज में और ज्यादा बड़ा जंप आएगा, वही हुआ है। मॉर्निंग शोज 14.8%, आफ्टरनून 23.3% की ऑक्यूपेंसी, इवनिंग शोज 29.5%। कहा था मैंने आपसे कि 30% के ऊपर जाएगी, वही नंबर आ रहा है, 29.5 इज समवॉट 30% ओनली। नाइट शोज में 33.45% की ऑक्यूपेंसी रही है, विच इज अ ग्रेट साइन टू शो कि भाई फिल्म जो है ऑडियंस को पसंद आ रही है, ऑडियंस इस फिल्म को जाके इवनिंग नाइट में बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी दे रही है। और देखो, आज का दिन संडे जो है ये बहुत बड़ा होगा इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन, सबसे बड़ा दिन शायद आज या कल ही होगा ऑफ दिस मूवी, क्योंकि जैसे कि ओपनिंग का जो वीकेंड होता है उसमें जो संडे आता है ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है फिल्म की कलेक्शन को, फिल्म की जो कलेक्शन होती है टोटल उसको ऊपर लेके जाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर सबसे ज्यादा बड़ा जंप हमारे को देखने को मिलता है। और इसी के साथ टोटल नंबर कल कितना रहा, कल के दिन डे नंबर टू की फाइनल कलेक्शन आ रही है 2.25 करोड़। मैंने आपसे कहा था कि इस फिल्म की कलेक्शन 2 करोड़ मुझे लग रही है आ जाती हुई, 2.5 करोड़ तक मैंने आपसे प्रेडिक्शन करी थी, 2.25 करोड़ का नंबर आ चुका है। लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज देखते हैं जंप का, तो जो मैं आपको बता रही हूँ 100% से भी ज्यादा का जंप है, क्योंकि डे वन की कलेक्शन 1.05 करोड़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है, और डे नंबर टू 2.25 करोड़, और टोटल इसी के साथ जो इंडिया नेट कलेक्शन है ये हो चुकी है 3.3 करोड़ की। अब आप सोचो, ये तो है वर्ड ऑफ माउथ का पावर, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का पावर। ये तो रही 2 दिन की बात, आज संडे को क्या होगा, आज के दिन क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ। अगर ये स्पीड चल रही है और ये मोमेंटम अब पकड़ चुकी है ये फिल्म, अभी मोमेंटम अपना जो डिजायर्ड स्पीड थी वो पकड़ चुकी है, तो इसके हिसाब से आज के दिन की कलेक्शन का जो प्रेडिक्शन है मैं आपसे 3 करोड़ का रखूंगी, ठीक है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ ऐसा जंप ये फिल्म ले रही है, 3 करोड़ के अबव भी जा सकती है, 3.5 करोड़, 3.25 करोड़ तक पहुंच सकती है, लेकिन मुझे लगता है उससे कम में आज आएगी ही नहीं किसी भी हाल में, क्योंकि इस फिल्म का, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से परसेप्शन जो है वो चेंज हो गया ऑडियंस का, और आज का टाइम जो है परसेप्शन का टाइम है, तभी तो रिव्यूज पर लोग इतना डिपेंड करते हैं ऑडियंस। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि जो एक्चुअली जो जिन फिल्मों का कॉन्टेंट बहुत अच्छा है ना, और उनके रिव्यूज कुछ भी आए, चाहे जो भी रिव्यूज रहे, लेकिन फिर भी वो फिल्में बिजनेस करती ही करती हैं। सो वीर सावरकर के लिए आज का दिन बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर मान लो आज 3 करोड़ अनदर 3 करोड़ आ जाता है तो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 6 करोड़ की हो जाएगी। और कल के दिन भी अगर हम यही ट्रेंड देखते हैं कि कल के दिन भी 2.5 करोड़ का मान लो, कल क्योंकि होली का त्यौहार है तो हम बड़ा प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, लेकिन अगर 2.5 करोड़ का वहां पर भी हम लेकर के चलते हैं तो 8-8.5 करोड़ का ये ओपनिंग वीकेंड लेगी इन द इंडिया नेट कलेक्शन। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस फिल्म का बजट केवल और केवल 20 करोड़ है, उस 20 करोड़ को ही रिकवर करना है, वो बहुत जल्दी रिकवरी होती हुई नजर आ रही है मुझे इस फिल्म के थ्रू। आई थिंक सरप्राइज ब्लॉकबस्टर कहते हैं ना जिन फिल्मों को, ये वो फिल्म होने जा रही है। बाकी मुझे लगता है आज के दिन धमाका होगा, जो भी कोई न्यूज आएगी आज इससे भी रिलेटेड, जो भी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आएगा जब अपडेट होकर आएगा, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर ऑल दी अपडेट्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज ऑल्सो स्टोरी फंक्शन।